सबसे पहले तो मैम मैं आपका अर्थ प्रकाश टीवी पे स्वागत करती हूँ सुदर्शन मैम। तो मैं जानना चाहूँ कि आप एक मेयर पद के लिए खड़ी हुई हैं आज पंचकुला के लिए, तो उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सुदर्शन बंसल मेयर पद के लिए पंचकुला से खड़ी हुई हूँ, जो मेरा चुनाव चिन्ह सेव है। इसलिए मैंने बहुत पंचकुला में मतलब वो देखा, विकास पूरा नहीं हो रहा, कहीं सड़कें खराब हैं, कहीं आवारा पशु घूम रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा पंचकुला में प्रॉब्लम है। तो मैं जब भी देखती थी तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था कि इसका कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए। और पंचकुला में करप्शन भी बहुत है, करप्शन के बिना कोई काम नहीं होता, तो उसके विकास के लिए ही मैं काम करना चाहती हूँ। तो मैम कहीं से कुछ आपके मन में आया हो कि मुझे खड़ा होना चाहिए मेयर पद के लिए? सबसे पहले तो मैं आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहूंगी। मैं सुदर्शन बंसल पहले पीजीआई में डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट काम करती थी, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम था। हमें मतलब लोगों के लिए ही काम किया, उनकी भलाई के लिए उनकी मदद बहुत की है, दिल से हमने उनका मरीजों की सेवा की है। तो मुझे ऐसे दिल में भावना थी कि मैं कुछ कर सकूं, अपने देश पंचकुला वासियों के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकूं। जब ऐसी बिगड़ी हालत देखते थे तो मुझे कुछ लगता था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने ये करने की सोची। और उसके ऊपर मेरे हस्बैंड के मोटिवेशन से मैं ये काम करना चाहती हूँ। तो मैम आपके जो यहाँ का वार्ड का जो भी कुछ परेशानियां है वो किन किन चीजों से वंचित है? जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो चीज आपके वार्ड को नहीं मिल पा रही है? वो ये है कि जैसे गटर ब्लॉक हो जाते हैं, पानी की निकासी प्रॉपर नहीं होती, वो साफ तो करते हैं लेकिन वहीं कूड़ा छोड़ जाते हैं, को उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता। तो जब बारिशें होती है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, सड़कें टूट जाती हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है, आवारा पशु इतने घूमते हैं, तो वो उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। जैसे डॉग है वो लोगों को काट जाते हैं, उसको आवारा घूमते रहते हैं, उनका कोई प्रबंध नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं पहले रहे मेयर जो अलूवालिया जी हैं उनको ये चीजें पता लगी होंगी, तो उन्होंने कुछ हल निकाला इसका? वो पर उतना हल तो निकाला ही होगा, ये हम नहीं कह सकते कि उन्होंने बिल्कुल नहीं निकाला, लेकिन ये है कि प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाया कुछ भी। सब जगह ऐसे देखो तो ये सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो इतना गंद पड़ा, कोई क्लीनलीनेस नहीं है, तो सब जगह जैसे कॉलोनियों में भी है तो बहुत पानी इकट्ठा हो रहा होता, तो लोगों को वहां रहना ही मुश्किल हो जाता। तो हम यही सोच रहे हैं कि कॉलोनियों में भी पूरा साफ सफाई करके तो वहां भी मेंटेन किया जाए प्रॉपर। ठीक है, अगर ये आप चुनाव जीत जाती हैं मैम तो सबसे पहले आप कौन सा विकास जो है आप यहाँ के लिए करवाना चाहेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है अभी के लिए? वो तो यही है कि पहले सबसे पहले क्लीनलीनेस, जैसे कॉलोनियों में है उनको मेंटेन करेंगे, तो जैसे भी उनकी साफ सफाई करवा के फिर ये आवारा पशुओं का लिए कुछ ना कुछ करना। बाकी यही है कि करप्शन के अगेंस्ट मतलब विकास करेंगे जो भी विदाउट करप्शन। ठीक है, और ये एक जनरल समाज पार्टी, ये आप लोग की जो पार्टी बनी है इसमें कितने लोग और जुड़ रहे हैं कि आपके सपोर्ट में, कि आपको लगता है कि ये लोग जुड़ रहे हैं और आप में एक ताकत आ रही है कि ये चुनाव जो है आपके हित में जाने वाला है, उसको लेके कुछ कहें? हम रिस्पॉन्स तो अच्छा है, हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहे हैं, तो काफी रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का, हमें लगता है कि हमें वोट अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगी यहाँ के लोगों को जो आपके हित में चाहे, या फिर कुछ वादे करना चाहेंगी आपके में? मैं पंचकुला निवासियों को निवेदन करती हूँ कि वो हमारे हमें वोट दें, हमारे मेरा चुनाव चिन्ह सेव है तो उसके लिए मुझे वोट दे के अपना सहयोग दें, ताकि मैं मतलब देश पंचकुला वासियों से का विकास कर सकूं और उनकी भलाई कर सकूं। चलिए, उम्मीद है कि आपके साथ वो भी और पूरी पूरा पंचकुला आपके साथ हो और ये मेयर पद की कुर्सी आपके हित में जाए। तो अभी हम बात करते हैं इनके पतिदेव जी सतीश बांसल जी, जिनके मोटिवेशन से, जिसके स्ट्रेंथ से आज वो यहाँ पे मेयर पद के लिए खड़ी हैं। तो सबसे पहले तो मैं अर्थ प्रकाश टीवी पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आप क्या कहेंगे आज आपकी धर्मपत्नी जो है मेयर उम्मीदवार के लिए आज पंचकुला से खड़ी है, उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए तो बहुत कुछ है कहने को। इन्होंने
जब भी हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं या घूमने जाते हैं, फुटपाथ का, सड़कों का किसी का कोई सुधार नहीं है, करप्शन पे करप्शन चल रही है वहां पे। कोई बंदा एमसी ऑफिस में चल जाओ, किसी से कुछ पूछना हो तो कोई बता के राजी नहीं है, कोई काम करके राजी नहीं है। इन चीजों को देखते हुए हमारे दिल को इतना दुख पहुंचता है कि हम भी एक नागरिक है, हमारे को एक वो तनख्वाह ले रहे हैं, काम करने की तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उनकी एटीट्यूड जो है ना बहुत गंदा रहता है हर पब्लिक के साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं हर के साथ ऐसे बोलते हैं। जैसे मैं आज की बात बता दूं, मैं इलेक्शन ऑफिस में इसका अकाउंट का देने गया, वो मेरे बड़े रूडली बोला हुआ है, फिर मैंने उसको रूडली बोला तो वो अपना लाइन पे आ गया। ऐसे जो है वो एक एहसान करते हैं हमारे ऊपर ही, पता नहीं हमने इनके ऊपर क्या काम, हमने इनका पर्सनल काम करना है, उनकी ड्यूटी। तो आपने एक समाज सेवा के हित में जाके और आपने एक नारी शक्ति को आगे बढ़ाया है, तो उसको लेके कुछ कहिए। नहीं, मैंने नारी शक्ति इनसे इच्छा भी है काम करने की, ये मेरे से पहले से कहती आ रही है, मैं जो काम करूंगी तो दिल से करूंगी, कोई करप्शन नहीं होगी, अच्छा काम करूंगी। जो अगर कहती मेरे ऊपर एक पैसे का भी किसी ने कह दिया ना, एक पैसे का इसने चोरी करी है या बेईमानी करी है, तो मैं अपना पद छोड़ दूंगी उसी टाइम, मेरे को आगे कह रहे यहाँ पे आपने करप्शन करी है। करप्शन फ्री करके पंचकूला को, इसकी जो पैसा है अभी तो एक एक पैसा पंचकूला के ऊपर लगेगा और लोगों के सामने, मैं तो आज ही निकल रहा था सड़कों के ऊपर देख रहा था, मैं कह ये जो काउंसलर के पद पे बैठे हैं उनके घरों के आगे भी उतनी सफाई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ एकदम फुटपाथ फर्स्ट क्लास चमकते होने चाहिए, रोड चमकती होनी चाहिए, अगर ये करप्शन नहीं होगी तो अपने आप ही होगा, इतना पैसा है एमसी के पास के किसी चीज की कमी नहीं है। तो इससे पहले जो ये उपेंद्र कौर अहलूवालिया जी हैं, जो मेयर हैं, उन्होंने ये चीजें नहीं देखी, ये परेशानियां यहाँ की, उन्होंने कभी हल किया कि नहीं? जो जो बड़ी पार्टियों के मेयर बनते हैं ना, इनको तो सिर्फ अपनी तरफ ध्यान रहता है, अपनी वोट इकट्ठी करने तक लगे रहते हैं, इनको पंचकूला वासियों से या शहर की सफाई से या कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, उन्होंने थोड़े बहुत काम कराए, ज्यादा काम नहीं हुए, फुटपाथ का देख लो, किसी चीज का देख लो, जहां मर्जी चल जाओ आप, कुत्ते घूम रहे हैं, अब हमारी गली में 3-4 हजार कुत्ते घूम रहे हैं, लोगों को काट गया, इन्फेक्शन हो गया, बड़े बड़े पेट में बड़े बड़े टीके लगते हैं वो जाके। तो इन चीजों को कहते हैं हम करेंगे, करता कोई नहीं है। बीजेपी वाले जैसे आज जैसे बीजेपी का मुद्दा चला हुआ है, अपने बीजेपी के मेयर पद के कुलभूषण गोयल जी कह रहे हैं कि हमारे को चौथा टायर लगा दो, विकास की बहुत अंधेरी आ जाएगी, लेकिन हम जो देखें सेंटर की तरफ देखें तो क्या अंधेरी आ रही है, सब कुछ देश का बेचा जा रहा है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, एवरीथिंग। फिर विकास कैसे होगा अगर चौथा टायर भी लग गया, फिर तो समझो हम गए, फिर तो कुछ भी नहीं रह गया। इसलिए हम चाहेंगे करप्शन फ्री, कोई भी बंदा हो, चाहे हम हैं चाहे जो मर्जी है, बंदा करप्शन के अगेंस्ट बोलने वाला हो। सबसे मुद्दा आज देश में करप्शन चल रहा है, करप्शन खत्म होगी देश अपने आप ऊपर जाएगा। तो अभी एक मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है जो कृषि कानून को लेके, किसानों का मुद्दा है, उसको लेके जनरल समाज पार्टी क्या कहती है? उसके लिए तो बहुत दुख की बात है, इतने किसान हमारे ठंड में वहां पे दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, एक महीने से ठंड भी इस टाइम जो टेम्परेचर है 4 डिग्री चल रहा है, वहां पे मर रहे हैं बेचारे, और अपनी एक हैंकड़ी के लिए कह सकते हैं हम, अपने प्राइम मिनिस्टर जो है हैंकड़ी के लिए बैठे हुए हैं, उनकी कोई नहीं सुनी जा रही। ये कल को हम नहीं चाहते कि इसको गलत साइड चल जाए, इसको एक हल निकाल के किसानों को उनके घर भेजना चाहिए, जो उनकी बनती प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी चाहिए। बिल्कुल, वो भी देश के नागरिक हैं, हम भी देश के नागरिक हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस देश के नागरिक हैं, और सबकी सुन के उनके मसला का हल करना चाहिए, बेचारे वो जो ठंड में बैठे हैं उनको घर भेजना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि मेयर पद के उम्मीदवार सुदर्शन बंसल जी और उनके पति जी सतीश बंसल जी एक समाज के प्रति कुछ करने को ठान कर आज मेयर पद के लिए खड़े हुए हैं, तो देखते हैं कि लोग जनता का साथ कितना रहता है और मेयर की कुर्सी पे और कैसे बैठते हैं ये। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए शशि चौरसिया अर्थ प्रकाश टीवी पर। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।